जमीन घोटाले के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें आखिरी नोटिस दिया था। इसके साथ ही केंद्रीय एजेंसी ने सोरेन को मन मुताबिक जगह और समय बताने को कहा था ताकि ईडी के अधिकारी जाकर उनसे पूछताछ कर सके, लेकिन जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी के समन पर हेमंत सोरेन ने ईडी को पूछताछ की कोई तारीख नहीं बताई है। ये पूछताछ पीएमएलए सेक्शन 50 के तहत होनी थी, लेकिन समय सीमा खत्म होने के बाद भी हेमंत सोरेन ने एजेंसी से कोई पत्राचार नहीं किया। गौरतलब है कि अपने 7वें समन में ईडी ने लिखा था कि वो 2 दिनों में पत्र लिखकर 7 दिनों के भीतर की कोई तारीख और स्थान बताए जहां उनसे पूछताछ की जा सके। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजे गए समन में कहा है कि जमीन घोटाले मामले में उनका बयान दर्ज करना बेहद जरूरी है, इसलिए ईडी उनकी मनमर्जी के मुताबिक बयान रिकॉर्ड करने के लिए तैयार है। इस मामले में ईडी उन्हें 6 बार पहले भी नोटिस जारी कर चुकी है। 6 समन को दरकिनार कर चुके हैं सोरेन। जमीन घोटाले के मामले में ईडी के 6 समन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दरकिनार कर चुके हैं। बार बार नोटिस के बावजूद वो एजेंसी के दफ्तर नहीं पहुंचे। इसके बाद ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7वां पत्र भेजा था। ये पत्र शुक्रवार 29 दिसंबर को सीएम के पास भेजा गया था। क्या है मामला? रांची में जमीन घोटाले की जाँच कर रही ईडी ने अप्रैल 2023 में बड़गाई राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के आवास पर छापेमारी की थी, जिसमें उसके आवास से ईडी ने बड़गाई अंचल से संबंधित 17 सरकारी दस्तावेज बरामद किए थे। मामले में रांची के तत्कालीन डीसी छवि रंजन का नाम भी सामने आया था। ईडी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बड़गाई जमीन घोटाले के मामले में ही पूछताछ करनी है। ईडी ने अपने पत्र में कहा है कि इस मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री का बयान दर्ज करना बेहद आवश्यक है। बयान दर्ज होने की वजह से ही जांच प्रभावित है। पूर्व में भेजे गए 6 समन में प्रत्येक का सीएम ने जवाब दिया था। उन्होंने समन को दुर्भावना से प्रेरित बताया था। सीएम ने ईडी पर केंद्र के इशारे पर काम करने और लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगाया था। मामले को लेकर हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। बता दें, इंडिया गठबंधन में शामिल हेमंत सोरेन के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने अब तक 3 बार समन जारी किया है। अब उन्हें 3 जनवरी को बुलाया गया है। मामले पर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बयान देते हुए कहा था कि ईडी इस वक्त हर विपक्षी पार्टी के नेता को बुलाने के चक्कर में लगी हुई है, किसी तरह बुलाए और उन्हें जेल में बंद कर दिया जाए। ईडी आज मजाक बन गई है।